Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbalewan. आज से मैं आप लोगों के लिए ASP.NET MVC पे एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका टाइटल होगा ई ग्रीटिंग्स यानी इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स। पर्पस इस वेबसाइट का ये होगा कि एडमिन जो है एक एडमिन का पैनल होगा, एक यूज़र का पैनल होगा। एडमिन के पैनल के जरिए से एडमिन क्या करेगा, ग्रीटिंग कार्ड्स यानी बर्थडे कार्ड हो गया, इसके अलावा जो है वेडिंग कार्ड हो गया या न्यू ईयर कार्ड हो गया, इस तरह के जो कार्ड्स है वो एडमिन जो है वो ऐड करेगा। और यूज़र में दो तरह के यूज़र होंगे, जैसे गेस्ट यूज़र होगा वो सिर्फ देखना चाहेगा तो सिर्फ उन कार्ड्स को देख सकेगा, लेकिन अगर वो किसी को ईमेल करना चाहता है तो उसको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जब अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा तो उससे जो है पेमेंट का एक शेड्यूल होगा, वो मंथली पेमेंट करना चाहता है या ईयरली पेमेंट करना चाहता है। तो जब वो पेमेंट पे करेगा एडमिन को तो देन उसके बाद राइट्स होंगे कि वो वहीं से रहते हुए किसी को भी वो कार्ड ईमेल कर सकता है, किसी की भी ईमेल आईडी पे उस कार्ड को मेल कर सकता है। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास जो है दो टाइप होंगी, एक हमारे पास यूज़र की टाइप होगी जिसमें यूज़र अपने आप को रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, और एक एडमिन की टाइप होगी जिसमें एडमिन अपने आप को लॉगिन करेगा, एडमिन आईडी से लॉगिन करेगा और कोई भी कार्ड जो है उसमें ऐड करेगा और यूज़र की पेमेंट आने के बाद उसको जो है वो राइट्स देगा कि वो किसी को ईमेल कर सकता है। इस पर्पस के लिए जो मैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया, मैं डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच को यूज़ करूँगा इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें एंटिटीज बना के कोड फर्स्ट की अप्रोच में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या टेबल्स होंगे, मैं सब वन बाई वन टेबल आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहला टेबल होगा हमारा कैटेगरी का, जिसमें का नाम मैंने रखा TBL कैटेगरी। इसके अंदर मैंने दो कॉलम रखे हैं, एक हमारे पास आईडी यानी कैटेगरी आईडी हो जाएगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यहाँ से हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट देंगे, और इसके अलावा कैटेगरी नेम होगा, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट करता हूँ। ये देखिए आप ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट में रखी हुई है और कैटेगरी नेम होगी। कैटेगरी नेम के अंदर कैटेगरी आ जाएगी, जैसे हमारे पास जो है वो बर्थडे वेडिंग हो गया, न्यू ईयर कार्ड हो गया, या इसके अलावा जो है कोई भी हम और कैटेगरी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ कैटेगरी पास करेंगे। ये कैटेगरी फिर मैं वहाँ पे मेन्यू में पास कर दूंगा, जिसके अगेंस्ट में जो है पेज खुलेगा और उसके अंदर उससे फिल्टर होके अगर बर्थडे सेलेक्ट करेगा तो तुम्हारे बर्थडे के कार्ड्स आ जाएंगे, अगर वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करेगा तो तुम्हारे वेडिंग के कार्ड इसमें आ जाएंगे। तो ये यहाँ से कैटेगरी उठेगी। कैटेगरी आईडी मैंने जो आईडी पास की है यहाँ पर, मैंने उसको प्राइमरी की रखा हुआ है, इसको मैं फ़ौरन की बनाऊँगा। रिलेशनशिप मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है और जो मैंने फ़ौरन की बनाया है वो मैंने यहाँ पे जो है वो जो मैंने टेबल बनाया है कार्ड का, इसके साथ इसकी फ़ौरन की होगी। मैं साथ साथ बंद में मैं आपको दिखाता रहता हूँ। कैटेगरी टेबल होगा, इसके बाद फीडबैक का होगा कि यूज़ में मैं ये भी ऑप्शन रखूँगा कि अगर यूज़र फीडबैक देना चाहता है जो एडमिन के पास जाएगा, एडमिन जिस फीडबैक को पढ़ सकता है, तो फीडबैक के लिए टेबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा DBL फीडबैक के नाम से। और इस टेबल के अंदर यहाँ पे जो है वो आईडी है जो प्राइमरी की रखी हुई है, फिर नेम यूज़र का नाम आ जाएगा, यूज़र जो मैसेज देना चाहता है मैसेज पास कर देगा, फिर उसकी डेट आ जाएगी और उसके बाद यूज़र की आईडी होगी जो यूज़र का अकाउंट या क्रिएट होगा, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो इसके बाद ही फीडबैक दे सकता है, तो लाजमी बात जब लॉगिन होगा तो उसकी यूज़र आईडी होगी और यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे जो है वो फ़ौरन की रखी हुई है, यहाँ पे यूज़र आईडी इसकी प्राइमरी की होगी। मैं लास्ट में रिलेशनशिप सबकी एक साथ दिखा दूँगा, फिलहाल यहाँ साथ साथ आप इसके स्ट्रक्चर को देखते रहें। इसी तरीके से फाइल जो अपलोड करेगा, जो कार्ड अपलोड करेगा, उसके लिए जो टेबल बनाया मैंने अलग से रख दिया इस टेबल को, जिसमें कार्ड जो अपलोड करेगा तो उसमें आईडी हो जाएगी जो प्राइमरी की है, फिर फाइल का नाम हो जाएगा, फिर फाइल की टाइप हो जाएगी, टाइप के अंदर हम उसको टाइप असाइन कर देंगे कि बर्थडे कार्ड की है या जो है किस टाइप की जो है वो कार्ड है वो हम यहाँ पर अपलोड करते हुए उसकी जो है वो टाइप भी असाइन कर देंगे। सेंडर जो ईमेल करेगा, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा यूज़र, और यूज़र जब रजिस्टर्ड होने के बाद ईमेल करेगा तो उसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखा दूँ सेंडर के अंदर कि उसमें जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आईडी आ गई, सेंडर ईमेल हो गई, इसी तरीके से रिसीव ईमेल हो गई, फिर सेंडर की डेट हो गई, सेंडर ने जिस तरह को भेज रहा है उसकी डेट हो जाएगी, और फाइल फ्रॉम कौन भेज रहा है और फाइल टू किसको भेजी जानी है, किसको ईमेल करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। वैसे तो हम SMTP यूज़ करते हुए इसको डायरेक्टली ईमेल करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि उसने किसको जो है वो कार्ड भेजा है, और इसे जो मैसेज कर भेजेगा वो मैसेज भी हम पास अपने पर रख लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कार्ड की जो आईडी है वो भी हमारे पास आ जाएगी और यूज़र आईडी भी हमारे पास के अंदर पास हो जाएगी।
फिर अगर वो सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन रखे कि अगर वो सब्सक्राइबर करेगा सब्सक्राइब करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम रख लेंगे, उसमें उसकी आईडी होगी, उसकी ईमेल होगी, उसका पेमेंट हो गया और इसी तरह यूज़र आईडी हमने उसके अंदर पास कर देंगे। कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम कार्ड के लिए टेबल में रखेंगे, वो कार्ड की जो आईडी है, फिर उसके बाद उसके अंदर नाम है, उसे नाम पास कर देंगे, फिर कैटेगरी आईडी हो जाएगी, फिर इसके बाद टेम्पलेट कोड आ जाएगा हमारे पास और इसी तरीके से हमारे पास जो है उसका कोड और साथ में उसकी इमेज आ जाएगी, नहीं कार्ड का कोड आ जाएगा और कार्ड की इमेज हमारे पास आ जाएगी। इसलिए यूज़र के लिए हम टेबल बना रहे हैं, यूज़र के टेबल के अंदर यहाँ पर यूज़र की आईडी हो गई, उसका नेम हो गया और इसकी ईमेल होगी, फिर पासवर्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद यूज़र की टाइप आईडी हो जाएगी, यानी वो यूज़र है या एडमिन है हम इसको टाइप दे देंगे, क्योंकि मैं एक ही टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र को भी सीधे लॉगिन कराऊंगा और इसके साथ एडमिन को भी मैं यहीं से लॉगिन कराऊंगा, इसके लिए मैंने एक ही टेबल इसके अंदर बनाया है। यहाँ पर यूज़र की टाइप असाइन करने के लिए अलग से मैंने टेबल बना दिया है जिसके अंदर उसकी जो टाइप आ जाएगी नाम भी आ जाएगा और उसके बाद उसका जो है टाइप का नाम भी आ जाएगा कि उसकी टाइप क्या है, वो एडमिन है या फिर जो है वो यूज़र है। इनमें रिलेशनशिप भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, जो मेन रिलेशनशिप जो बना हुआ है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ जगह, जैसे टेप कैटेगरी का जो हमारा टेबल है, मैं कैटेगरी का टेबल को बताता हूँ कि कैटेगरी का टेबल जो हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है वन टू मैनी का, वो बना हुआ है कार्ड के साथ, यानी कैटेगरी के टेबल में प्राइमरी की है आपके पास आईडी और यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है वो हमने यहाँ पे मैंने इसको फॉरेन के लिया हुआ है, इन दोनों टेबलों में वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है वो टाइप जो हमारा टेबल है टीबीएल टाइप का, इसमें मैंने इसको आईडी को प्राइमरी की रखा हुआ है और यूज़र के अंदर जो इसकी टाइप है यूज़र जो टाइप है वो उसको मैं फॉरेन की रख रहा हूँ, ये दो रिलेशनशिप दूसरा रिलेशनशिप बना हुआ है। फिर इसी तरीके से यूज़र के अंदर जो प्राइमरी की है हमारे पास आईडी की, इसको मैंने फीडबैक के अंदर इसको फॉरेन की रखा हुआ है, यानी जो वहाँ पे आईडी है यहाँ पे यूज़र आईडी उसकी फॉरेन की है, तीसरा रिलेशनशिप बन गया, यानी पहला हमारे पास जो है वो कैटेगरी का कार्ड के साथ बन गया, फिर दूसरा हमारे पास जो है वो यूज़र का टाइप का जो है यूज़र के टेबल के साथ बन गया, यूज़र की प्राइमरी की जो है फीडबैक के साथ फॉरेन की बन गई। फिर इसी तरीके से यहाँ पर यूज़र के अंदर जो प्राइमरी की है उसको मैंने सब्सक्राइबर के टेबल के अंदर फॉरेन की रखी है यूज़र आईडी के साथ, तो ये रिलेशनशिप इसके जो बने हुए वो आपके यहाँ पे चार रिलेशनशिप बने हुए, ये आपके रिलेशनशिप बने हुए, बाकी तो खैर वो सेम कॉलम में था। अच्छा एक टेबल और भी बना हुआ है वो हमारे पास है सेंडर का, उसमें ये है कि यहाँ पे मैंने जो यूज़र के अंदर जो प्राइमरी की है जो आईडी से उसकी प्राइमरी की है इसको मैंने यहाँ पे सेंडर के अंदर सेंडर आईडी के साथ इसको मैंने इसको यानी सेंडर के अंदर यूज़र आईडी जो है इसके साथ इसकी फॉरेन के रिलेशनशिप बनाया हुआ है। तो ये आपके पास रिलेशनशिप मैंने साथ में आपको दिखा दी कि किन किन टेबलों की आपस में रिलेशनशिप है, तो ये टेबल आपस में जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं वन टू मैनी की रिलेशनशिप से, मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आपको उसकी स्क्रिप्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट भी जनरेट करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको वहाँ पर क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट उसके देख लें। स्क्रिप्ट में आपको जो वाजे हो जाएगा अगर वहाँ पे आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल है एक है टीबीएल अपलोडिंग के नाम से टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जो मैं कॉलम जो मैंने आपको वहाँ समझाया वो यहाँ भी बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में आपको अलग से बता चुका हूँ, टाइप के नाम से टेबल है हमारे पास और उसके अंदर ये दो कॉलम्स है जो मैं आपको वहाँ भी बता दिए थे, कैटेगरी के नाम से जो है मैंने टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है वो कैटेगरी आईडी और नेम नंबर आ गया, और इसी तरीके से जो है यूज़र का टेबल है, यूज़र के टेबल के अंदर ये कॉलम मैंने पास किया हुआ है, रिलेशनशिप मैं आपको बता चुका हूँ, और कार्ड के नाम से जो टेबल है उसके अंदर ये कॉलम हमारे पास आ रहे हैं, और इसी तरीके से इसकी जो मैं मैक्सिमम क्योंकि वहाँ से साइज़ थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी आ रही थी तो मैंने जूम नहीं किया था, तो मैंने कहा चले यहाँ पर दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ, अगर स्क्रिप्ट से समझना चाहें जो स्क्रिप्ट से समझ लें, अगर आपको रिक्वायर्ड हो इसकी स्क्रिप्ट तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको स्क्रिप्ट भी भेज दूँगा इसकी। इसे सब्सक्राइबर के नाम से जो कॉलम टेबल है उसके अंदर ये कॉलम हमारे पास आ रहे हैं और सेंडर का जो टेबल है उसके अंदर ये कॉलम हमारे पास आ रहे हैं और फीडबैक का जो टेबल है उसमें ये कॉलम्स हमारे पास हैं, ठीक है जी, और बाकी खैर मैंने अल्ट्रेशन किया, तो ये हमारे पास जो है वो टेबल्स हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे टेबल्स हमने जो है वो मैंने आपको वहाँ पे डिज़ाइन मोड से भी दिखा दिए हैं,
और साथ में आप इसकी स्क्रिप्ट भी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, तो आप इसको बनाएं। अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे जो है कॉन्टेक्ट करें, और अगर आपको इसकी स्क्रिप्ट चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको स्क्रिप्ट मेल कर दूंगा। और फिर इसके बाद फर्दर इसी को हम आगे वन जो है वो डेटाबेस फर्स्ट की अप्रोच को यूज़ करते हुए नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं जो है वो इसको विजुअल स्टूडियो पे इंप्लीमेंट करूँगा, और वन बाई वन हम इसके कंट्रोलर बनाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि तकरीबन जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट कर लें, और साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों के साथ काम करता रहूँगा, आप उसको देखते रहिएगा, साथ साथ बनाते रहिएगा। तो अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ पूछना हो, तो मुझसे जो है डायरेक्टली ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इसको काम करें, तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।